आप सभी के एक तरीके से कंपटीटर ही हैं, तो कंपटीटर को भी जानना बहुत जरूरी होता है कि कंपटीटर क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे रहता है। अच्छा, ये कहते थे सोसाइटी के लोग? हाँ हाँ बिल्कुल, कहते पूरा फील करवाते थे, नीचा दिखाते थे, इससे कुछ नहीं हो पाएगा, कोई काम का नहीं है, दूसरे पे निर्भर है, जो भी है पिताजी पे है, और अपना तो कोई अस्तित्व लोग का है नहीं, बीटेक करने तुम्हारा थोड़ा हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस भी है, सर्वाइवल में दिक्कत होगा। मैं अगर टोटल कहूँ तो मैंने अभी तक 50 एग्जाम्स से ऊपर दिए हैं। 50 एग्जाम अपन दिए? 50 एग्जाम से गवर्नमेंट जॉब के लिए? गवर्नमेंट जॉब के लिए। 26-27 एग्जाम में फेल हुए, उसके बाद में मतलब हाँ, जैसे खान सर का बहुत सारा शॉर्ट्स वगैरह वायरल होता है, उनकी वीडियो वगैरह बहुत वायरल होते हैं, तो कोर्स में कुछ ना एप्लीबिलिटी बताइए। जैसे कि एक महीने से थोड़े ज़्यादा दिन है अभी, 17-13 दिसंबर होने वाला है, तो अभी आप किस एरिया फोकस कर रहे हो, किस तरीके से काम कर रहे हैं? देखिए, ये प्रिपरेशन आपका है, ये किसी कोचिंग का प्रिपरेशन नहीं है। कितने मार्क्स अभी आप कह रहे हैं? मेरा 65-70, क्योंकि अभी पेपर का भी लेवल काफ़ी टफ। क्वालिटी क्या सबसे बढ़िया है? क्वालिटी एम लक्ष्मीकांत पढ़ा है मैंने, पूरा रगड़ के पढ़ा है। ऐसा कोई ये कट एंड ड्राइड मेथड नहीं है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका एक और इंस्पायरिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। अभी हमारे साथ अभिषेक कुमार झा सर हैं, जो कि अभी इनकम टैक्स में, जो है कि विजिलेंस में इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में टैक्स असिस्टेंट है। सर के लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है, और सर से आज हम बातचीत कर रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं। सर, मेरा चैनल आप देखते भी हैं, तो सर का मेल आया था कि इनके लाइफ में भी काफ़ी स्ट्रगल रहा है, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने प्रेशर झेला अपनी लाइफ में। इंजीनियरिंग की तैयारी करने गए थे, वहाँ से नहीं हुआ, तो फिर इधर वनडे एग्जाम में आना, और फिर अभी बीपीएससी की भी प्रिपरेशन सर कर रहे हैं, और 70th भी सर अब उसमें अपियर हो रहे हैं। तो किस तरीके से इनकी प्रिपरेशन अभी चल रही है? आप सभी के एक तरीके से कंपटीटर ही हैं, तो कंपटीटर को भी जानना बहुत जरूरी होता है कि कंपटीटर क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, किस तरीके, और ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं। तो डेफिनेटली इस वीडियो से आप लोगों को एक आइडिया पता चलेगा कि स्ट्रगल के साथ किस तरीके से उससे बाहर आना, बहुत सारे प्रेशर झेला, टॉन पे वगैरह भी इन्होंने सुने हैं लाइफ में, और एक आई से ये मतलब कि एक आई सर आपका बिल्कुल ही मतलब सुन रहे हैं, वो आर्टिफिशियल एक आई सबसे बड़ी बात, तो बहुत बड़ा एक मेंटल प्रेशर होता है, उस चीज़ को कैसे हैंडल करना होता है ये सर से हम जानेंगे। तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल सपोर्ट को चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सर, सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल पर। नमस्कार सर, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं सर। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगा कि ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए। मैं बराबर ही स्टूडेंट्स विंडो के 1.5-2 साल से वीडियोस देखता था, और मैं भी सोचता था कि काश एक दिन मैं भी इस पे इंटरव्यू दे पाऊं, क्योंकि इस पे इंटरव्यू देना मतलब सक्सेसफुल होना। बिल्कुल, तो मैं आपका धन्यवाद फिर से कहना चाहूंगा, आप आए हैं मेहनत करके। जी सर, अपने बारे में थोड़ा बताएं, कहाँ क्या कैसे? जी, मेरा नाम अभिषेक कुमार झा है, और मैं बिहार के दरभंगा में कन्हे गांव का निवासी हूँ, और मैं पिछले जन्म के समय से ही पटना में रह रहा हूँ। मेरे फादर बिजनेस करते हैं, टैक्स कंसल्टेंसी का ही बिजनेस है, और मेरा भी टैक्सेशन डिपार्टमेंट में ही सिलेक्शन हो गया है, बचपन से ही टैक्सेशन से ही नाता रहा है। जी जी, और मैं अपने बारे में यह कहना चाहूँगा कि अभी मैं पटना में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पोस्टेड हूँ एज ए टैक्स असिस्टेंट, CGL 21 के थ्रू सिलेक्शन हुआ है मेरा। ऑल इंडिया रैंक मेरी 5409 थी, और विजुअली हैंडीकैप कैटेगरी में मेरी ऑल इंडिया रैंक 27 थी। ओके सर, अपने बारे में ये बताएं कि पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है, और पढ़ाई का मतलब जो दौर रहा वो किस तरीके का? पढ़ाई लिखाई ये कहना चाहूंगा कि बचपन से ही मेरा पटना में RPS पब्लिक स्कूल से मैंने 10th पास किया, मतलब अच्छे स्कूल से अपने। हाँ, पटना के बहुत ही अच्छे स्कूल से, माता पिता ने अपने कैपेसिटी से ज्यादा मुझे पढ़ाया, जहाँ तक हो सका उन्होंने अपनी सुख सुविधाओं में कटौती करते हुए पटना के बेहतरीन स्कूल से मुझे पढ़ाया। उसके बाद 10th करने के बाद मेरे भैया कोटा चले गए, वो मुझसे 2 साल सीनियर थे, तो मुझे भी ललक हुई कि भैया गए हैं तो मैं भी कोटा जाऊँ तैयारी करने के लिए। तो फिर मैंने दरभंगा से डिस्टेंस एजुकेशन में इंटरमीडिएट में एडमिशन लिया, मतलब था वो रेगुलर ही, लेकिन क्लास नहीं करता था। फिर मैं 1 साल कोटा चला गया पूरे जोश और पूरे एंथुजियाज्म के साथ कि पहले बार में IIT फोर देना है। अच्छा। फिर मैंने वहाँ कैरियर पॉइंट में एडमिशन लिया, भैया भी सेम इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे, 1 साल में रहा। दरअसल था कि मेरे साथ थोड़ा हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस था, तो फैमिली मुझे अलाउ नहीं कर रही थी कि तुम कोटा जाओगे तो थोड़ा हेल्थ इश्यूज हो जाएगा, लेकिन वहाँ देखभाल करने के लिए भैया थे, तो मुझे परमिशन दे दिया गया बहुत ही मान मनोबल के बाद। भैया 1 साल रहे, उसके बाद भैया बीटेक करने चले गए, तो फिर मुझे
मजबूरी में वापस आना पड़ा क्योंकि सर्वाइवल प्रॉब्लम था। और कहावत है ना, हेल्थ इज वेल्थ। जब तक आपका हेल्थ सही नहीं रहे आप कुछ भी डिलीवर नहीं कर सकते। फिर मैं यहाँ आ गया अपने अधूरे सपनों को लेके। फिर यहाँ आने के बाद मेरा रूटीन बहुत ही लेथार्जिक हो गया, बहुत ही लेजी हो गया। मैंने कोई फिकर नहीं लाइफ की, कोई फिकर नहीं, कोई रूटीन नहीं, कोई कंसिस्टेंसी नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं। लेकिन मेरे माता पिता ने मुझ पे कभी कोई प्रेशर नहीं दिया। प्रेशर पड़ता था तो बाहरी लोगों का, रिलेटिव्स का, सोसाइटी का, कि घर में ऐसे ही पड़ा रहता है। अच्छा, ये कहते थे सोसाइटी के लोग? हाँ हाँ बिल्कुल, पूरा फील करवाते थे, नीचा दिखाते थे, इससे कुछ नहीं हो पाएगा, कोई काम का नहीं है, दूसरे पे निर्भर है, जो भी है पिताजी पे है, और अपना तो कोई अस्तित्व लोग का है नहीं, ऐसा ऐसा लोग बातें बोलते थे। लेकिन क्या कर सकते हैं, सही समय पे जवाब मिलता है लोगों को। तो सर मैं ये आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि आप फिर कब रिचार्ज हुए दोबारा? रिचार्ज मैं कहूंगा कि जब मैंने IIT और AIEEE का एग्जाम दिया तो मुझे इससे छुटकारा मिल गया। अगर सच कहूं तो लोग एग्जाम देते हैं सिलेक्शन के लिए, मेरा बहुत ही पुअर रैंक आया IIT में और AIEEE में, और मुझे इससे छुटकारा मिल गया। उसके बाद मैंने बैंकिंग और SSC की तरफ स्विच किया। बैंकिंग और SSC की तरफ स्विच करते ही मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, क्योंकि वहाँ मैट्रिकुलेशन तक का मैथमेटिक्स, इंग्लिश ये सब रहता है, स्कूलिंग मेरी बढ़िया हुई थी, तो मुझे उस सिलेबस में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि मैं घर बैठ के खुद से ही ये चीजें कर सकता हूँ। मैंने सारे प्रीवियस ईयर मॉक्स लगाने शुरू किए बैंकिंग और SSC के, तो काफी अच्छा मुझे बिना तैयारी के भी मुझे काफी कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद मैंने 2012 में पहला SSC स्टेनोग्राफर का एग्जाम दिया तो मेरा रिटेन निकल गया, वो बिना कोचिंग के ही, घर बैठ के ही। और मैं ज्यादा टाइम घर में ही बिताना पसंद करता हूँ, अगर पढ़ाई भी कर रहा हूँ तो घर में ही। ऑफलाइन कोचिंग्स का मैंने बहुत कम सहारा लिया है, इसको आप एक लेजीनेस भी कह सकते हैं। अच्छा ये बताइए, आपकी आप जैसे आपने मेल में मेंशन करा था कि आप काफी लेथार्जिक हो गए थे, मतलब ज्यादा सोना पसंद करते थे, सोए रहते थे, आपको टॉन्ट वगैरह भी सोसाइटी के द्वारा रिलेटिव द्वारा दिया गया जी। तो वो पॉइंट कौन सा था, आपके माता पिता ने आपको दोबारा रिवाइव किया, रिचार्ज किया? माता पिता तो मुझे कैसे हुआ मेरी वनडे एग्जाम में लग गए, वो क्या मोमेंट था थोड़ा? नहीं, दरअसल हुआ कि जब IIT में मेरा बहुत ही पुअर रैंक आया तो मुझे एक तमन्ना थी कि मैं BTEC करूं किसी प्राइवेट कॉलेज से ही, तो मैं बहुत इंसिस्ट कर रहा था अपने पापा को कि मुझे BTEC करने दिया जाए, लेकिन वही हेल्थ इश्यूज जो था वो बाधा बन रहा था। तो मेरे पापा मम्मी ने मुझे समझाया कि जब तक तुम 4 साल में जाओगे वहाँ BTEC करने, तुम्हारा थोड़ा हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस भी है, सर्वाइवल में दिक्कत होगा, तब तक तुम किसी गवर्नमेंट जॉब का ही प्रिपरेशन करो। और इन लोग को पूरा विश्वास था कि घर बैठे भी 4 साल में कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब क्लियर कर लेगा। और अभी का हम लोग ट्रेंड देख रहे हैं कि लोग BTEC करके भी वही आ रहे हैं UPSC पे। आप सर ये बताइए कि कितने एग्जाम में फेल हुए आप, सबसे पहले ये बताइए। अगर मैं कुल कहाँ रहा हूँ, मैं अगर टोटल कहूँ तो मैंने अभी तक 50 एग्जाम्स से ऊपर दिए हैं। 50 एग्जाम अपन दिए, 50 एग्जाम से गवर्नमेंट जॉब के लिए। गवर्नमेंट जॉब के लिए मैंने लगभग सभी एग्जाम्स दिए हैं और बहुत कम ही एग्जाम छोड़े हैं, चाहे वो बैंक हो, SSC हो, रेलवे हो, LIC हो, इंश्योरेंस हो, करीब करीब सभी एग्जाम्स मैंने दिए हैं। तो जिसमें 50 एग्जाम्स में मुझे पहली सफलता मिली CHSL 10+2 से। कितने फेलियोरिटी के बाद मिली? फेलियोरिटी लगभग 26-27 फेलियर्स के बाद मुझे फर्स्ट। 26-27 एग्जाम में आप फेल हुए, उसके बाद में आप मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर आप कहें तो 26-27 एग्जाम्स के बाद मुझे मिली। तो 26-27 एग्जाम देना तो सर ये बहुत बड़ी बात होती है, तो मोटिवेशन भी आपके अंदर में कहीं से था? तो देखिए, मोटिवेशन इसको क्या कह सकते हैं, मेरे पास कोई टेक्निकल और प्रोफेशनल डिग्री था नहीं, तो मोटिवेशन तो बना के रखना था ही, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री रहता है तो आप कहीं टेक्निकल में जॉब परस्यू कर सकते हैं, तो मुझे तो इफ एंड बट करके गवर्नमेंट जॉब तो लेना ही था क्योंकि कोई ऑप्शन था नहीं। जी बिल्कुल, कोई ऑप्शन था नहीं। और उसके अलावे मैं सोच रहा था कि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि इतना इंटेंस कंपटीशन है कि आप सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि मेरा गवर्नमेंट जॉब हो ही जाएगा। तो मैं टीचिंग कैरियर में सोच रहा था या पापा के साथ इनके बिजनेस में ही हाथ बटाता, यही सोच रहा था, क्योंकि लाइवलीहुड के लिए कुछ तो करना ही था। लेकिन मैं एक आदमी का अपने लाइफ में सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा। देखिये, जीवन में किरदार तो माता पिता का बराबर रहता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरी माता जी मेरी जिंदगी के सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम है। और वो जब लोगों के तानों पे मैं उदास हो जाता था, दुखी हो जाता था, क्योंकि मैं बहुत ही सेंटिमेंटल हूँ,
तो वो बड़ा उदास हो जाती थी, मेरा चेहरा देख के वो भी बहुत उदास हो जाती थी। और वो मुझे हमेशा समझाती थी कि तुम टेंशन मत लो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, कोई तुम्हारा खर्चा नहीं जोड़ रहा है। तो मैं जिंदगी भर अपने माता पिता का आभारी रहना बहुत बड़ी बात है, माँ बाप का सपोर्ट होना बहुत बड़ी बात होती है, आपके साथ हमेशा वो मतलब रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और मेरी माता जी का तो अनकंडीशनल सपोर्ट, मतलब क्या कहा जाए। ठीक है सर, ये बताएं कि कितने एग्जाम में अभी तक अपना सिलेक्शन लिया है? मेरा ये अगर फाइनल मेरिट लिस्ट कही है तो मेरा ये दूसरा फाइनल सिलेक्शन। इसके पहले CHSL में? इसके पहले CHSL 10+2 से मेरा LDC इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस जॉब को कहूंगा मैं टैक्स असिस्टेंट इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, लेकिन उसको कहूंगा कि मैं LDC इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि मुझे एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक जॉब का एक सपना। मिनिस्ट्री में किसमें थे? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, वहां से मुझे CPWD अलॉट हुआ था। सर BPSC में कोई अटेम्प्ट वगैरह अपन लिया कि नहीं? BPSC में मैंने 67th का अटेम्प्ट दिया था, लेकिन वहाँ प्री में 8 नंबर से मेरा मिस कर गया। 68-69 अपने दिया? 68-69 मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि ज्वाइनिंग की भी फॉर्मेलिटीज चल रही थी नए जॉब की, और थोड़ा सा नया जॉब था तो यूज्ड टू होने में भी समय लग रहा था। और BPSC सबका प्रिपरेशन है कि जब तक आप डेडिकेटेड टाइम नहीं देते हैं तो फिर अटेम्प्ट वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। ओके, तो सर अभी कैसे कर रहे हैं तैयारी आप 70th के लिए, मतलब कि किस तरीके का प्रिपरेशन है, ऑनलाइन ऑफलाइन? अभी 70th BPSC के लिए मैंने खान ग्लोबल स्टडीज का एक 500 रुपए का विजेता कोर्स लिया हुआ है, और रीजन IAS का मैंने लिया हुआ था, तो दोनों को सप्लीमेंट करके और नोट्स प्रिपेयर करके उसको तैयारी कर। अच्छा, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, खान ग्लोबल स्टडी का जो आप कोर्स बता रहे हैं जी, जिससे खान सर का बहुत सारा शॉर्ट्स वगैरह वायरल होता है, उनकी वीडियो वगैरह बहुत वायरल होता है, तो कोर्स में कुछ ना एप्लीकेबिलिटी बताइए, क्योंकि स्टूडेंट्स ये बहुत दुविधा में होता है कि कोचिंग वगैरह में क्या है कैसा है, तो कुछ दम है कंटेंट वगैरह? देखिए मैं एज ए न्यूट्रल ये बात कहना चाहूँगा कि खान सर एजुकेशन में रेवोल्यूशन ला रहे हैं। अच्छा। बहुत ही चीप एंड वेस्ट एजुकेशन दे रहे हैं, मैं उनको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ या मुझे उनके प्रमोशन से कोई मतलब नहीं है। आप लोग प्रभावित नहीं होना, लेकिन चीप एंड वेस्ट है। 500 रुपए में मैं उन्हीं के विजेता कोर्स के सहारे पूरा BPSC का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने UPSC का जो प्रिपरेशन किया है, UPSC और BPSC के प्रिपरेशन में बहुत फर्क है। विजन IAS में जो मुझे मटेरियल दिया गया है वो बहुत हाई लेवल का है, लेकिन BPSC में आपको स्पेसिफिक प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बिहार स्पेशल है, बिहार इकोनॉमी पढ़ना है, बिहार ज्योग्राफी पढ़ना है, और विजन IAS में जो UPSC का सिलेबस है उसमें इन सब चीजों को नहीं टच किया जाता है, तो मैं कहना चाहूंगा कि बढ़िया है। ओके, तो सर अभी जैसे कि 1 महीने से थोड़े ज्यादा दिन है अभी 13 दिसंबर को होने वाला है जी, तो अभी आप किस एरिया फोकस कर रहे हो, किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या अभी बेसिकली आप पढ़ रहे हैं, मतलब क्या? मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी स्पेसिफिकली आप बिहार स्पेशल का भी वेटेज इस बार बढ़ने वाला है। अच्छा। तो बिहार स्पेशल को ज्यादा फोकस करिए, करेंट अफेयर्स को ज्यादा फोकस करिए, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी सबके पीछे रन बिहाइंड करने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, उससे बेहतर है कि आप वो समय बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, ये दो सेक्शन अगर आपका स्ट्रांग हो गया तो आप यहाँ एज ले सकते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी सब में ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर इसमें ज्यादा डायनेमिक क्वेश्चंस आ गया ना तो फिर यहाँ बहुत ज्यादा स्कोर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। करंट अफेयर्स कैसे करते हैं आप, किस तरीके से? करंट अफेयर्स मैंने परफेक्शन IAS का एक लिया हुआ है कोर्स, उसका भी कोर्स लिया हुआ है, और KGS में भी जल्दी ही करंट अफेयर्स का क्लास शुरू होने वाला है, दोनों को सप्लीमेंट करके और थोड़े बहुत विजन IAS के जो करंट अफेयर्स हैं सबको सप्लीमेंट करके, किसी एक रिसोर्स के सहारे नहीं रहना है। देखिए ये प्रिपरेशन आपका है, ये किसी कोचिंग का प्रिपरेशन नहीं है, और SDM आपको बनना है, तो कोचिंग बस आपको एक बेसिक गाइडलाइन और बेसिक गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन आप पूरी तरह किसी भी कोचिंग के भरोसे नहीं रह सकते हैं कि वो मुझे गुट्टी पिला देगा और मैं सिलेक्शन ले लूंगा, इसके प्रचार नहीं रह सकते। अच्छा, आपको सप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो मेंस के लिए जो आंसर राइटिंग आपने ऑलरेडी किया है या फिर बाद में करेंगे? नहीं, मेंस के लिए आंसर राइटिंग मैं बाद में करूंगा। तो ये तो काफी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, फिर बाद में करेंगे? नहीं, मुश्किल इसलिए नहीं होगा कि कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है। अच्छा। बस लिखने का प्रैक्टिस करना है, 10-20 मॉक टेस्ट दे दूंगा तो हाथ फ्रेश हो जाएगा लिखने का। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, यानी कि मेंस की तैयारी कर ली आपने, प्रीलिम्स वाला ही उसको जो है कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में लाएंगे, कमोबेश वही सारा चीज होता है? नहीं, देखिए कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो ओवरलैप करते हैं UPSC के साथ, तो विजन का जो मैंने कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल पढ़ा हुआ है तो उसका एज मुझे मेंस में मिलेगा, और प्रीलिम्स के लिए जो BPSC में पढ़ रहा हूँ
जैसे बिहार स्पेशल, तो बिहार स्पेशल से को रिलेट करके जो मेंस में क्वेश्चन आएंगे उसका एज मुझे यहाँ से मिल जाएगा। मीडियम तो अपने इंग्लिश ही रखा है थ्रू आउट, मतलब थ्रू आउट इंग्लिश आप कर रहे हैं। ओके, सो ये बताएं आपकी प्रिपरेशन जो अभी आप कर रहे हैं तो मॉक वॉक लगा रहे हैं कि नहीं प्रीलिम्स के लिए, और किस तरीके का मॉक? हाँ जी, प्रीलिम्स के लिए मॉक्स लगा रहा हूँ, वही केजीएस का एक अलग से लिया हुआ है मैंने बैच टेस्ट सीरीज का, उसमें मॉक्स लगा रहा हूँ। कितने मार्क्स अभी आप कह रहे हैं? मेरा 65-70, क्योंकि अभी पेपर का भी लेवल काफी टफ हो गया। तो वो आप ये बताइए 25-30 मार्क्स कैसे निकलिच करेंगे, किस तरीके आप फोकस करेंगे आपकी? नहीं तो मेरा तो कट ऑफ कम जाएगा ना, कैटेगरी है ना। अच्छा, कैटेगरी में कट ऑफ, कैटेगरी में कट ऑफ कम जाएगा और पेपर भी काफी टफ हो गया है, तो एक्सपेक्टेड है कि वही 70-80 कट ऑफ रहेगा। 70-80 कट ऑफ है, 70-80 कट ऑफ जाने का उम्मीद है जी। ओके, तो सर ये बताइए कि अभी जो आप प्रिपरेशन में लगे हुए हैं तो करंट अफेयर्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आती हैं कहीं ना कहीं, तो उस पर कैसे आपने काम करा है? कुछ विजन वगैरह का हेल्प ले रहे हैं या फिर सिर्फ केजीएस वगैरह प्रिंसिप? बहुत लोग सारे टॉपर भी हैं या फिर हम जैसे इंटरव्यू करते हैं तो बहुत लोग बताते हैं कि अब विजन का मैगजीन पढ़ी है, तो आप कैसे करते हैं? नहीं, अभी जो 68 से जो पैटर्न हो गया है बीपीएससी का, तो उसमें आप करंट अफेयर्स में आपको विजन का जो ईयरली मैगजीन आता है पीटी 365 मेंस 365, उसको एज ए सप्लीमेंट आपको यूज करना ही पड़ेगा। पहले था कि आप एसपीडी पढ़ के या एडुटेरिया पढ़ के भी उसका करंट अफेयर्स में आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते थे, तो मैं विजन का जो मैगजीन्स है मुझे तो वो कोर्स के साथ मिला हुआ है, तो मैं उसको सप्लीमेंट कर रहा हूँ। अच्छा, सबसे आपका वीक जोन कौन सा है पूरे बीपीएससी की जो जर्नी आप स्टार्ट करे हैं, तो कौन सा सब्जेक्ट या टॉपिक मतलब कह लीजिए कौन सा वीक है, उस पर कैसे काम करें? पूरे बीपीएससी ही नहीं, मैं जब से पढ़ना शुरू किया हूँ अपने स्कूल लाइफ से ही एक सब्जेक्ट जो मैं कहूँगा मुझे आज तक समझ में नहीं आया या कहे तो मुझे इंटरेस्ट ही नहीं लगा, वो ज्योग्राफी है। इसीलिए आप करेंगे ज्योग्राफी के पीछे? मुझे समझ में ही नहीं आता है कि लैटिट्यूड किधर है, लॉन्गिट्यूड किधर है, भारत का भूगोल किधर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किधर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किधर है, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। कैसे करेंगे आप, समझ नहीं आ रहा? उसका वेटेज कम रहता है, बाकी सब्जेक्ट्स में मेहनत करके आप एज ले सकते हैं। किस में एज लेंगे आप, कौन सब्जेक्ट में ज्यादा बेहतर आप करेंगे? पॉलिटी, पॉलिटी इकोनॉमिक्स। पॉलिटी आपका बढ़िया है? पॉलिटी बढ़िया है। पॉलिटी कैसे आपने बढ़िया किया? पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत पढ़ा है मैंने, पूरा रगड़ के पढ़ा है, पूरा रगड़ के पढ़ा है, और विजन का भी बहुत अच्छा कंटेंट दिया गया है, तो उससे भी दोनों मिला के मैंने पढ़ा है पॉलिटी, और मैं शुरू से भी पॉलिटी में काफी इंटरेस्टेड रहा हूँ, तो पॉलिटी में एज ले लूंगा, बिहार स्पेशल में एज ले लूंगा, करंट अफेयर्स में एज ले लूंगा, यहाँ 150 में 150 स्कोर करना नहीं है। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स वाला आप पढ़ तब लोग का सही रहता होगा, उसमें भी काम करना पड़ेगा आपको? स्टैटिस्टिक्स पार्ट के बारे में मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि मेरा जो बाय बर्थ ही कैलकुलेशन ओरल कैलकुलेशन ही मैं कर लेता हूँ। कितना तक कर लेते हैं? 2 digit × 2 digit मल्टीप्लीकेशन कर लेता हूँ विदाउट पेन एंड पेपर। कितना डिजिट तक? 2 digit × 2 digit। अच्छा, 2 digit × 3 digit भी कर सकता हूँ, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, टाइम लगेगा। अच्छा, मतलब कि जैसे कि 2 digit से 2 digit में करना हो तो 5-10 सेकंड में? हाँ, 5-10 सेकंड में। 3 digit × 2 digit तो थोड़ा सा टाइम, 1-2 मिनट लग सकता है? नहीं, 1-2 मिनट से कम ही लगेगा। ओके सर, ये बताएं कि एनसीईआरटी वगैरह पढ़ा कि नहीं आपने? कि एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी नहीं, बस स्कूल तक। अब बिना एनसीईआरटी के तो लोग बता रहे हो ही नहीं करेगा, तो कैसे? नहीं देखिए, ऐसा नहीं है, अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक्स भी उठा सकते हैं, ऐसा कोई ये कट एंड राइड मेथड नहीं है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। एनसीईआरटी पढ़ के भी तो फिर आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ना ही है, तो एडवांस जाना ही है, एडवांस जाना ही है, तो अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ सकते हैं, अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो एनसीईआरटी आपके लिए मस्ट है। पहले ही क्लियर था एनसीईआरटी वगैरह पहले अपने 10वीं तक? हाँ, स्कूलिंग तक एक आध सब्जेक्ट छोड़ के मेरा सब्जेक्ट सभी एवरेज टू बेटर कह सकते, बस हो जाएगा। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्रोसेस सेमेस्टर पे निकाला। क्या नहीं, मैंने बताया है कि कैलकुलेशन ये काफी स्ट्रॉन्ग, इनके पिताजी उधर से बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, कैलकुलेशन ये काफी स्ट्रॉन्ग है, दरअसल इससे इसका रिलेशन नहीं था इसीलिए मैंने जिक्र नहीं। ओके, तो दोस्तों डेफिनेटली ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल लगी होगी, और आपने जाना कि किस तरीके से स्ट्रगल और किस तरीके से अपने लाइफ में एक्सेल करना, तो इस वीडियो को लाइक या शेयर करें। थैंक यू सो मच।